रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की चमक कभी कभी पूरे कमरे को रोशनी से भर देती। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव चौंक गया, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बज रहे थे। दस्तक फिर से हुई। राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। कदमों की आहट कमरे में गूंज रही थी। उसने दरवाजा के पास जाकर कान लगाकर सुना, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल रुकने के बाद उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वह वापस मुड़कर और जैसे ही वहां पलटा, उसे पीछे से फिर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। राघव ने साहस बटोर कर फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वह वापस कमरे में जाने लगी, तभी उसे घर के बाहर किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन घने अंधेरे और बारिश के बीच कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तभी अचानक बिजली कड़क उठी और उसके सामने बगीचे में एक परछाई दिखी। वह चौकन्ना हो गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से ताला लगा लिया। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा कि क्या कुछ आत्मरक्षा के लिए मिल सके। तभी दरवाजे पर जोर से धक्का लगा, मानो कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई और वह पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ रहा। कुछ देर बाद धक्का देना बंद हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन राघव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। इस बार दरवाजे के सामने एक चिट्ठी पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई और उसे खोला। उसमें लिखा था, तुम्हें जो दिख रहा है वो सच नहीं है, पर तुम्हारे डर का सामना करना होगा। अगली रात फिर मिलेंगे। राघव ने चिट्ठी को पढ़ते ही कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उस रात उसने किसी तरह खुद को संभाला। सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन वह उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला गया, लेकिन उस अनजानी आवाज़ का रहस्य हमेशा उसके मन में छिपा था।